अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज रुबीना अंसारी किचन में आपके लिए सूजी और अंडों का हलवा तैयार कर रही हूँ। इसके लिए मैंने ये 1 कप सूजी का लिया है, अच्छी तरह से इसे साफ़ कर लिया है, आधा कप घी, ये वनीला एसेंस है जिसमें से आधा टीस्पून लूँगी, 2 अंडे हैं, 5 से 6 इलायचियाँ, 1 टीस्पून केवड़ा वाटर और 1 कप ही चीनी का है। ड्राई फ्रूट में 2 टेबलस्पून मैंने किशमिश के लिए थे, 20 से 25 बादाम और ये 2 टेबलस्पून खोपरा है जो रफली चॉप्ड हैं। पानी में जितना इस्तेमाल होगा उतना लूँगी, आधा से पौन कप। तो फिर चलते हैं तमाम चीज़ों को लेकर सॉस पैन की तरफ जो कि चूल्हे पे रखा हुआ है। व्यूअर, सबसे पहले मैं 2 टेबलस्पून घी के सॉस पैन में डाल रही हूँ और फ्लेम लो ही रखूँगी और इसमें मैं ड्राई फ्रूट को फ्राई करूँगी। सबसे पहले मैं इसमें बादाम और खोपरा डालूँगी क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं किशमिश साथ डालूँगी तो वो जल जाएगी, वो सॉफ्ट होती है, लिहाजा जल्दी से वो फ्राई हो जाती है। अब इसे चलाते हुए लो फ्लेम पे खुशबू आने तक ही मैंने फ्राई करना है। तो फिर मिलते हैं व्यूअर्स, 1 से 1.5 मिनट हो गया है, खुशबू आ रही है, लिहाजा मैंने किशमिश डाल दी है। अब किशमिश को भी चलाते हुए मैं थोड़ी देर तक फ्राई करूँगी, जब ये गोल्डन हो जाएगी तो फिर हम इसे उतारेंगे। लीजिए व्यूअर्स, तकरीबन 1 मिनट लगा और ये देखिए तमाम ड्राई फ्रूट तैयार हो गया है। मैं इसे एक प्लेट में निकाल रही हूँ और निकालने के बाद फिर इसी सॉस पैन में हम सूजी को भूनेंगे। सॉस पैन में मैं बाकी का तमाम घी डाल रही हूँ, फ्लेम अभी मैंने मीडियम कर दिया है और फिर मीडियम लो फ्लेम पे इस सूजी को मैं चलाते हुए भूनूंगी गोल्डन होने तक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अंडों को मैंने तोड़ लिया है, अब इसमें मैं आधा टीस्पून वनीला एसेंस का डाल के इसे फेंट के एक साइड पर रखूँगी। और सूजी तकरीबन तैयार हो गई है क्योंकि 5 से 6 मिनट हो गए हैं। चीनी डाल के चीनी को भी मैं 1 से 1.5 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। फ्लेम अब मैंने मीडियम लो से लो कर दिया है, लिहाजा अब मैं इसमें आधा ड्राई फ्रूट भी डाल चुकी हूँ जो मैंने फ्राई किया था ताकि उसकी खुशबू अच्छी तरह से आ जाए। अब मैंने इसमें आधा कप पानी का डाला है और अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। और मिक्स करने के बाद फिर मैं इसमें ये इलायचियाँ जो मैंने छिलके से अलग कर ली थी वो डाल दी हैं। दरमियान में मैंने जगह बना के 2 टेबलस्पून घी के डाले हैं। अब मैं इसमें अंडा डालूंगी और फ्लेम को मैंने लो कर दिया है। लो फ्लेम पे मैं अब चलाते हुए अच्छी तरह से इस मटेरियल को भून रही हूँ। हमने बहुत अच्छी तरह से भुनाई करनी है व्यूवर्स, तकरीबन 4 से 5 मिनट होने वाले हैं और ये अच्छी तरह से भुन गया है। अब मैं इसमें केवड़ा वाटर डाल के मिक्स करूँगी और इसे ढक के 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पे दम के लिए रखूंगी। तो मिलते हैं दम होने के बाद व्यूअर्स, तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं, अच्छी तरह से हर चीज़ मिक्स हो गई है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं हलवे को मिला रही हूँ और इसे आपके लिए डिश आउट करने की तैयारी कर रही हूँ। तो फिर हम मिलेंगे प्रेजेंटेशन पे। लीजिए व्यूअर्स, आपके लिए बेहतरीन सा अंडे और सूजी का हलवा तैयार है। इसे मैंने बाकी के ड्राई फ्रूट से गार्निश कर दिया है, इसे आप ज़रूर तैयार कीजिएगा, बहुत ही इनरिच्ड है, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। इसके अलावा शाम की चाय के साथ या मेहमानों को भी आप इसे आराम से सर्व कर सकती हैं। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, यकीनन सबको बहुत पसंद आएगी। मिलते हैं एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अस्सलामु अलैकुम और अल्लाह हाफिज़।